इवनिंग स्टूडेंट, डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डीमी विश्लेषण अनुप्रयोग के तहत जो क्लास पढ़ रहे हैं, आज उसका लास्ट टॉपिक है, वह है डीमी विश्लेषण की सीमाएं। लेकिन इसके पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चीज को देखें और उसका लाभ उठाएं। आइए देखते हैं कि डीमी विश्लेषण की सीमाएं क्या है। पहली बात यह है कि बीमी विशेषण की सीमाओं को लेकर के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको पहले फोकस करने की जरूरत है। और आप इसको लिखते भी चलिएगा, आप सब कहेंगे कि इसको लिखते चलिएगा कि क्या होती है। देखिए, बीमी विशेषण की सीमाएं, इसको हम लोग लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। कि बीमी विशेषण की सीमा क्या है, सीमा मतलब तो समझते होंगे कि लिमिट होता है। जैसे आप भी कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में रहते हैं और कोई काम कर रहे हो, तो क्या कहते हैं आपके बड़े भैया, कहते हैं लिमिट में रहा करो। लिमिट मतलब अपने दायरे में रहा करो। या दूसरी चीज क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप एक जो है कि नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी का भी अपना एक कार्य क्षेत्र होता है, उस कार्य क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए कि आप एक कांस्टेबल हो, तो क्या होगा, आप एक थाने के अंतर्गत काम करेंगे। उसी तरह से अगर आईपीएस होंगे तो एक जिले के अंतर्गत काम करेंगे, कमिश्नर होंगे तो एक मंडल के अंतर्गत काम करेंगे। तो इस तरह से सबका अपना अपना एक लिमिट होता है, इसको सीमा बोलते हैं। तो पहली बात ये पूछेगा कि क्वेश्चन में बीमी विशेषण की सीमाएं या सीमा क्या होती है, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है जिसको हमने लिख दिया है। दूसरा भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि बीमी विश्लेषण के दोष, बीमी विश्लेषण के दोष, कि इसका दोष क्या होता है, बीमी विश्लेषण के दोष क्या होते हैं, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जितना भी आप क्लास पढ़े होंगे, जो भी क्लास आप पढ़े होंगे, तो उस क्लास में आप देखे होंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं, जो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसको हम लोग बीमा का प्रयोग करके नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे पहला जो है, पहला जो इसका लिमिटेशन ये है कि अगर किसी भी भौतिक राशि में या किसी भी समीकरण में अगर कोई कांस्टेंट दिया गया हो, अगर कोई कांस्टेंट दिया गया हो तो उसका आंकिक मान हम नहीं निकाल पाएंगे, या उसमें प्रयुक्त जो बीमा होती है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आपने देखा था, हमने लिखा था कि टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट में एल अपान जी, यह जो है सरल लोलक के आवर्त काल का व्यंजक है, टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट में एल अपान जी। आपने देखा होगा कि जब इस समीकरण का आप निगमन कर रहे थे बीमी विश्लेषण के द्वारा, तो क्या आया था कि टी इक्वल टू के अंडर रूट में एल अपान जी। अब एक के क्या है, इसका मान क्या होगा, इसकी जानकारी जो है हम लोग बीमी विश्लेषण विधि से नहीं निकाल सकते हैं। या आपने देखा होगा कि जब अभिकेंद्र बल निकाल रहे थे तो क्या मिला था, एफ इक्वल टू के अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहां पे के की वैल्यू एक होती है, लेकिन एक के की वैल्यू एक होती है, इसकी जानकारी बीमी विश्लेषण के द्वारा नहीं मिल पाता है, ये आपको याद करना पड़ता है। तो यही क्या है, यही इसका पहला दोष है। तो आप इसमें लिखेंगे कि इस विधि के द्वारा, लिखते चलिए, इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा किसी व्यंजक, किसी व्यंजक में उपस्थित उपस्थित नियतांक की बीमा, नियतांक की आंकिक मान, आप कह सकते हैं नियतांक की आंकिक मान मान नहीं निकाला जा सकता है या ज्ञात किया जा सकता है। ये आपने देखा होगा कि पीछे का जो भी एग्जाम्पल हमने लिया था या जो भी इसका उपयोग किया था, तो ये समस्या निकल करके आई थी। यहाँ पे क्या मिला, टी इक्वल टू के अंडर रूट में एल अपान जी। अब इस के का मान
टू पाई होता है ये जानकारी हमको नहीं हो पाएगी, इसके लिए हमें याद करना पड़ेगा। इसी तरह से आप इक्वल टू के अपन एम बी स्क्वायर अपन आर, इसमें के की वैल्यू एक होती है, इसकी भी जानकारी हमें बीमी विशेषण से नहीं मिल पाता है। तो पहला जो है इसका दोष ये हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेगा कि बीमी विशेषण की सीमाएं क्या होती है। चलिए दूसरी जो उसका इसमें जो है देखिए, जो तीनों राशियां लिखा हुआ है नंबर टू, जैसे कि आपने देखा कि जब हम सूत्र का निगमन कर रहे थे तो अगर राशियां कोई भी राशियां हो वो अन्य राशियों पर निर्भर होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने लिखा कि आवर्तकाल टी लोलक की लंबाई एल वृत्तीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, और ये दोनों राशियां क्या है गुणे के रूप में लिखी गई है। दोनों राशियां क्या है कि गुणे के रूप में लिखी गई हैं। इसका मतलब हो गया कि अगर गुणे के रूप में या बटे के रूप में लिखी गई हैं ऐसे करके, लेकिन अगर यही प्लस के रूप में ऐसे लिखा गया हो, इसे दो या दो से अधिक राशियां हो जो प्लस के रूप में लिखी गई हो, तो हम उस सूत्र का निगमन नहीं कर पाए। जैसे मान लीजिए लिखा हो यहां पर एस इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर, इसमें आप देखेंगे कि जो दूरी है वह ut पर और 1 अपॉन 280 स्क्वायर पर निर्भर कर रहा है, ये दो राशियों पर निर्भर कर रहा है। तो इसका निगमन हम लोग इस बीमी विश्लेषण विधि से नहीं कर सकते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे कि जो प्लस के रूप में लिखा गया, अगर कोई भी भौतिक राशि जो प्लस के अगर रूप में लिखी गई हो तो उसका निगमन हम लोग इस नियम से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे यदि कोई भौतिक राशि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, राशियों पर निर्भर करती है तो उसका निगमन इस विधि से नहीं किया जा सकता है। कम से कम पांच को आप याद ही कर लीजिए, इस विधि से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा इसका दूसरे हो गया कि अगर कोई भी राशि है भौतिक राशि है वो दो या दो से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उसका निगमन हम लोग क्या कर सकते हैं इस राशि से या इस मेथड से नहीं कर सकते हैं। चलिए उसके बाद से हम बात करते हैं कि अगर किसी भी भौतिक राशि में, जैसे मान लीजिए अगर किसी भी भौतिक राशि में त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे मान लीजिए अगर किसी भी भौतिक समीकरण में लिखेंगे हम लोग, यदि किसी भौतिक समीकरण में क्या हो त्रिकोणमितीय अनुपात हो, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो या एटीसी अगर हो तो उस सूत्र का निगमन हम लोग इस विधि से नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी समीकरण दिया हो और उस समीकरण में त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो, जैसे कि साइन थीटा दिया हो, कॉस थीटा दिया हो, टेन थीटा दिया हो, तो इस तरह के जब अनुपात अगर लिखे हो तो उसका निगमन हम लोग इस विधि से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी भौतिक समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा दिया हो तो उसका निगमन हम लोग इस विधि से नहीं कर सकते हैं, ये तीसरा दोष हो गया। चौथा दोष लिखिए, चौथा दोष क्या है इस पे जानिए। चौथा नंबर का जो इसके दोष है या इसका सीमा हुआ यह है कि कोई भी भौतिक राशि सदिश है
या अधिश है इसकी जानकारी भी बीमी विश्लेषण विधि से नहीं मिलती है। आप लिखेंगे कि कोई भी भौतिक राशि सदिश है, राशि सदिश है या अदिश, मतलब स्केलर है, सॉरी मतलब वेक्टर होता है, और वेक्टर है या स्केलर है, इसकी भी जानकारी बीमी विश्लेषण विधि से नहीं मिलती है। कोई भी भौतिक राशि सदिश है या अदिश है, इसकी जानकारी बीमी विश्लेषण विधि से नहीं हो पाती है, बीमी विश्लेषण विधि से नहीं हो पाती है। ये आप लोग लिखते चलिए, सुन लेंगे तभी लिख सकते, नहीं हो पाती है। आप सुनेंगे तभी भी जान जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगर किसी भी भौतिक राशि में, जैसे मान लीजिए अगर किसी भी भौतिक राशि में बीमाहीन राशि, देखिए चौथा नंबर था, बीमाहीन राशि किसको बोलते हैं, जिसकी बीमा नहीं होती है, जिसकी कोई बीमा नहीं होती है उसको हम लोग बीमाहीन राशि बोलते हैं। तो अगर किसी समीकरण में बीमाहीन राशि दिया हो और उसका, अभी आप देखिए पांचवा नंबर, यदि किसी भौतिक समीकरण में बीमाहीन राशि का प्रयोग किया गया हो, तब उसका निगमन इस विधि से नहीं किया जा सकता है। तो उसका निगमन भी हम लोग इस विधि से नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि बीमी विश्लेषण की सीमाएं क्या क्या हैं। कोई भी भौतिक राशि सदिश है अदिश है, इसकी जानकारी विश्लेषण विधि से नहीं हो पाती है। अगर किसी भौतिक समीकरण में किसी जो है कि बीमाहीन राशि का प्रयोग किया गया हो तो उसका भी निगमन इस विधि से नहीं किया सकता है। कोई भौतिक राशि सदिश है अथवा अदिश है, इसकी भी जानकारी बीमी विश्लेषण विधि से नहीं हो पाती है। दूसरी चीज है कि अगर किसी भी भौतिक राशि में त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा दिया हो तो उसका भी निगमन हम लोग बीमी विश्लेषण विधि से नहीं कर पाते हैं। उसी के साथ साथ अगर किसी भी भौतिक राशि में किसी कांस्टेंट का आंकिक मान निकालना हो तो उसको भी हम लोग निकाल नहीं पाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बीमी विश्लेषण के 5 दोष हमने यहाँ पर लिख करके बताया और आपको समझाया भी। अब हम आशा करते हैं कि आप इसको समझ भी रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे और लिख करके याद भी कर रहे होंगे। जब याद करेंगे तभी एग्जामिनेशन में जो है बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे। चलिए 5 इसको लिखे तो आप क्या करेंगे, इसके कुछ लाभ भी लिख लीजिए। लाभ में जो इसके अनुप्रयोग है वही इसके क्या है, लाभ है। तब आप लिखेंगे कि बीमी विश्लेषण के गुण। बीमी विश्लेषण के कौन कौन से गुण होते हैं इसको आपको जानने की जरूरत है। पहला क्या कर सकते हैं, पहली बात यह है कि आप इस विधि का प्रयोग करके कोई भी भौतिक समीकरण सत्य है अथवा असत्य है इसकी जांच कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग करके समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं।
इसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से नंबर दो क्या कहता है, इसको देखिए कि इस बीमी विश्लेषण का प्रयोग करके भौतिक राशि के मान को एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में परिवर्तित कर सकते हैं। हम देखिए क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग करके किसी एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में, किसी एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में बदल सकते हैं। ध्यान से समझिएगा कि किसी भौतिक राशि की मान को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नियम ये हो गया। अब इसको लिखने की जरूरत मैं नहीं समझ रहा था कि आप जो लिखेगा, इसका प्रयोग करके किसी भी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में परिवर्तित कर सकते हैं। नंबर तीन क्या कहता है, इसका प्रयोग करके हम लोग विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसका प्रयोग करके हम लोग विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं, अर्थात किसी सूत्र का निगमन हम कर सकते हैं, किसी भी सूत्र का हम लोग निगमन कर सकते हैं। दूसरा इसका तीसरा लाभ यह है, तीसरा लाभ क्या है कि किसी भी इसका प्रयोग करके हम लोग सूत्र का निगमन कर सकते हैं, सूत्र का निगमन कर सकते हैं। चौथा लाभ क्या है, अभी बताए हैं, अब देखेंगे पीछे की वीडियो में मिलेगा कि अज्ञात भौतिक राशियों की बीमा निकाल सकते हैं, अज्ञात भौतिक राशियों की बीमा, इसका प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग करके हम लोग अज्ञात भौतिक राशियों की बीमा निकाल सकते हैं। तो इसका प्रयोग करके समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं, पहली बात है एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में बदल सकते हैं, तीसरा क्या हो गया कि सूत्र का निगमन कर सकते हैं, चौथा क्या है अज्ञात भौतिक राशियों की बीमा निकाल सकते हैं, पांचवा क्या हो सकता है, पांचवा आप देखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि जो पांचवा इसका जो यूज होगा वो ये हो सकता है कि पांचवा इसका हो जाएगा कि अज्ञात हो गया, सूत्र का निगमन हो गया, मात्रक हो गया और सत्यता की जांच कर सकते हैं। पांचवा जो हो गया कि बीमा का प्रयोग करके मात्रक निकाल सकते हैं, बीमा अगर दिया हो तो बीमा की सहायता से मात्रक निकाल सकते हैं। आप यहां पर ऐसे लिखेंगे, हम एक बार बोल दे रहे हैं कि बीमी विश्लेषण के गुण, पहला गुण बीमी विश्लेषण का प्रयोग करके समीकरण की सत्यता की जांच किया जा सकता है। नंबर टू, बीमी विश्लेषण का प्रयोग करके किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को या मान को एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में बदल सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। नंबर तीन क्या कहता है, नंबर तीन ये है कि बीमी विश्लेषण का प्रयोग करके हम विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बीमी विश्लेषण का प्रयोग करके विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं या सूत्र का निगमन कर सकते हैं। नंबर चार, बीमी विश्लेषण का प्रयोग करके अज्ञात भौतिक राशियों की बीमा निकाल सकते हैं। नंबर पांच, बीमी विश्लेषण की प्रयोग करके अगर बीमा दिया हो तो बीमा का प्रयोग करके उसका मात्रक हम निकाल सकते हैं। अभी हम इस पिछले प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे कि अनेक भौतिक राशियों का हम बीमा निकाल करके फिर उसके मात्रक को हम लोग बदले हैं। तो इस तरह से आपका जो बीमी विश्लेषण जो चैप्टर था इसमें मात्रक एवं बीमा थी जो पहला चैप्टर था, ये पूरी तरह से हमने एक एक पॉइंट को पढ़ा लिखा करके समझा करके एग्जाम्पल के साथ लेक्चर के साथ पूरी जितना हो सकता था उसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है और लिखाया भी है। इस तरह से इसी लेक्चर के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, आपका पहला चैप्टर ये फिनिश हो गया है। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मापन में त्रुटियां, हम लोग पढ़ेंगे कि एरर इन मेजरमेंट, ये दूसरा चैप्टर है और वो भी चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन के भी पॉइंट से, और उसको हम लोग अभी अगले क्लास में हम शुरू करेंगे तो आपको जरूर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसका नोटिस लाइव क्लासेस में आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा और आप जितने भी लेक्चर है एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, क्योंकि देखिए
याद करने का एक नियम होता है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमें याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है। देखिए, याद करने का एक सबसे बड़ा जो फार्मूला होता है वो होता है अभ्यास का नियम। याद करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास का मतलब क्या हो गया कि लर्निंग। अभ्यास कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि जब आप स्टार्टिंग में जब आप साइकिल चला रहे थे तो क्या पहले ही बार सीट पे बैठे और साइकिल चलाना शुरू कर दिए? नहीं, आपने क्या किया, पहली बार साइकिल को ऐसे धीरे धीरे हाथ पैदल घुमाए, घुमाते घुमाते धीरे धीरे पैडल पे खड़ा होकर के चलाए, फिर उसके बाद से सीट पर बैठे, फिर एक बार पैडल दबाए, फिर उतर गए, फिर चढ़े, फिर उतर गए, और एक दिन ऐसा हुआ कि आप बहुत ही जो है सही तरीके से, परफेक्ट तरीके से साइकिल चलाना आप सीख गए। तो इसको बोलते हैं अभ्यास। आप अभ्यास किसी भी चीज का अगर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार अभ्यास करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो चीज आपको याद हो जाएगी। कभी ये मत सोचे कि कोई भी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो एक बार पढ़ ले और उसको याद हो जाए। दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार जब पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपके स्मृति में, मतलब आपके अधिगम, आपके दिमाग में वो बात बैठ जाएगी और आप उसको अपने भौतिक जो भी आपका दैनिक जीवन है उसमें आप प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार देखिए और देख करके इसको समझिए। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए, कमेंट करके हमको बताइए कि किस पॉइंट पे आप फंस रहे हैं। तो हम आशा करेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उस पॉइंट को हम लोग जरूर यहाँ से क्लियर करेंगे, और क्लियर करने के बाद से एक लेक्चर बनाकर दोस्तों अपलोड भी कर दिया जाएगा। इसी के साथ आप सभी को पुनः एक बार आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जिसका नाम है एरर इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटियां। तब तक के लिए आप सभी को जो है कि बहुत शुभकामनाएं। आप इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर भी करिएगा, और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।